और हम लोग इमेज देखने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर में, हम लोग इमेज देखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर में। लिखिए आप, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, एंड लीजिए नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हम लोग प्लेन मिरर में देखे थे इमेज, और हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर इमेज, स्फेरिकल मिरर का इमेज देखेंगे हम लोग बाबू। लेकिन पहले देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, उसके बाद देखेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर। इन कॉनकेव मिरर फर्स्ट वन, इन कॉनकेव मिरर हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज। लेकिन इमेज बनाने, किसका इमेज बनता है पहले ये बताइए, इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अनुसार इमेज भी बदलता है, इमेज का पोजीशन बदलता है, उसका नेचर बदलता है, साइज बदलता है। तो हम लोग ये अलग अलग पोजीशन पर विचार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पर। हम लोग पहला देख रहे हैं बाबू, वेन, फर्स्ट लिखे वेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वेन ऑब्जेक्ट कॉनकेव के लिए, फर्स्ट हम लोग कॉनकेव देख रहे हैं, उसके बाद तो देखेंगे कॉन्वेक्स में। पहला हम लोग देख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो उस समय इमेज कैसा बनता है देखते जाइएगा आप लोग डायग्राम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर पहले बनाते हैं, उसके बाद इसी में हम लोग को इमेज देखना है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है देखिए ध्यान से, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और दिस इज योर पोल, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने दिखा दिया, और बीच में ठीक बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है। हमें इमेज बनाना है एक ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो बता बाबू, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है क्या उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जा सकता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पे रख सकते हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का पहले मतलब समझिए, इन्फिनिटी का मतलब होता है सन, मून, जितने भी स्टार्स हैं ये सब जो है काफी दूर स्थित माने जाते हैं, काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या सन को उठाकर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर रख सकते हैं क्या, नहीं। मून को उठाकर रख सकते हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर, मतलब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होते हैं वो उस चीज को हम लोग इन्फिनिटी पर, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रख सकते हैं। तो क्या उपाय है उसका, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का मात्र एक ही उपाय है कि वहां से आने वाला जो रेज है हम लोग उसी को सिर्फ कंसीडर करते हैं, और रेज कैसा कंसीडर होता है, पैरेलल। पैरेलल रेज हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट के लिए, इसका भी हम कॉज बताएंगे आगे चलकर। चलिए एक रे हम लोग ले जाते हैं, पहले ध्यान रखिएगा जो भी रेज लेंगे हम लोग पैरेलल लेंगे, पहले हम लोग सी से पास करा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, सी से एक लाइट रे पास करा रहे हैं। आपने पढ़ा है जो लाइट रे सी से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर क्या करता है, रिटर्न बैक करता है, उसी पाथ पर क्या कर जाता है, ये रिटर्न बैक करता है। तो बताइए इसी पाथ पर जो रिटर्न बैक करेगा, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे मिला हमें। लेकिन एक रे से इमेज नहीं बनता, हम लोग दूसरा रे लेने जा रहे हैं बाबू, दूसरा रे लेने जा रहे हैं, और ये दूसरा रे जो है इसी के पैरेलल होगा, इसी रे के पैरेलल, और पैरेलल का मतलब ही है वो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इंफिनिटी पर है। पैरेलल रेज हम लोगों ने लिया है, इसका मीनिंग यही होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये दूसरा रे लिए हम लोग, और ये इसके पैरेलल है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन, या आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है यहाँ पर कि फोकस यदि पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, याद कीजिए, पढ़े ना आप लोग, ये बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके सामने कटेगा वहीं पर इमेज बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ कट रहा है बाबू, यहाँ पे फोकस है, इसके ठीक सामने यहाँ पे कटता है, यहाँ पे भी जितना भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आपके पास औजार है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, एकदम स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा ये फोकस पर ही कटता है जाकर। देखिए यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई पूछे आपसे यदि पैरेलल हम लोगों ने लिया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
ऑब्जेक्ट यहां पर इन्फिनिटी पर है, इमेज कहां बना? फोकस पर। ये इमेज कैसा है बाबू? ये रीली रूप से कट रहा है, ये रीली रूप से कट रहा है। देखिए रिफ्लेक्टेड रे है, ये रीली रूप से कट रहा है कि वर्चुअली कट रहा है? रीली रूप से कट रहा है। दिस इज योर इमेज और ये इमेज बन रहा है आपको एफ पर, एट एफ। और ये कैसा होगा? रियल होगा। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने लिखवाया था आपको, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। एंड देखिए तो साइज क्या है, इन्फिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा बाबू, मून हो सन हो, उससे बड़ा बड़ा साइज का होता है, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बन रहा है रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल। दिखाई दो प्रॉपर डायग्राम, एंजली दिएगा इमेज के बारे में। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा? एट एफ रियल इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल। दिखाइए कॉनकेव मिरर के लिए, अमेरिका जुड़ गई है, हम लोग आज सारे इमेजेस कवर करेंगे, कॉनकेव मिरर में सारा इमेज हम लोग आज सीख लेंगे। फटाफट बनाइएगा बस। पहला पोजीशन में बताया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो उस समय इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसको ध्यान रखना है। मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, जब ट्रिक जान जाइएगा तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। हो गया, ये पहला पोजीशन था जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इंफिनिटी पर रखा है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है बाबू, वो कि कैसा ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि सन मून स्टार्स, ये जो कुछ भी होते हैं ये काफी दूरी पर स्थित माने जाते हैं, काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये, और इसीलिए इसको माना जाता है कि ये ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पर सिचुएटेड है, इंफिनिटी पर आपको प्लेस्ड है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के हमें इमेज बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि क्या इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर रख सकते हैं क्या? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रखाएगा क्या ऑब्जेक्ट? नहीं। क्यों भाई? क्या सन को उठाकर आप प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दीजिएगा? कोई संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या उपाय है बाबू? उपाय क्या है? सिर्फ वहां से जो चलने वाला जो रेज हम लोग उसी को कंसीडर करते हैं। ये मिरर के क्लोज ये लगता है कि पैरेलल है, लेकिन वास्तव में पैरेलल होता नहीं है। हाँ, पैरेलल क्यों लेते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिलेगा जब हम लास्ट केस देखेंगे, हम बताएंगे आपको आगे चलकर, थोड़ा देर के बाद अपने आप जवाब मिल जाएगा। पैरेलल क्यों लिया जाता है, आप ऑटोमेटिकली इसका जवाब मिलेगा। और पैरेलल लेने के पीछे कुछ कारण है। यहाँ से जो रेज आपको जा रहा है बाबू, पहला रेज हमने लिया है सी से पास करने वाला, और आपने सीखा है कॉलर डायग्राम। बताइए जो लाइट रेज सी से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ, कल आपने बताया है रे डायग्राम में आपको। दूसरा जो फोकस से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ाया आपको कल। देखिए आप दो रेज की मदद से हम लोग इमेज बनाते हैं, कम से कम दो रेज होना चाहिए, दो से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। ये दो रेज बाबू आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां कट करेगा, वही इमेज बनेगा। ये फोकस पे कट रहा है, इमेज कहां बनेगा? एट एफ, मतलब फोकस रियल बनेगा क्योंकि यहाँ रियली कट कर रहा है, वर्चुअली नहीं कट कर रहा है, यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, दिख रहा है साफ कट कट होता हुआ, इसलिए रियल इमेज बनेगा। रियल हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है एंड वेरी स्मॉल, सन मून बहुत बड़ा बड़ा होते हैं, यहाँ पे इमेज बस इतना ही बड़ा बन रहा है, इसका मतलब बहुत छोटा साइज होगा। नेक्स्ट लिखिए सेकंड केस। अगला केस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग इधर इन्फिनिटी पर रख दिए, इन्फिनिटी का मतलब इधर काफी दूरी पर, इधर इधर है आपको ऑब्जेक्ट, इधर है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बाबू, तो हमको सी से भेंट होगा, सी से भेंट होगा, तो सी पर डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे, तब सी पर आएंगे, तब सी और एफ के बीच में आएंगे, तब एफ पर आएंगे, तब एफ और पी के बीच में आएंगे, बारी बारी से। चलिए सेकंड केस, व्हेन, दूसरा केस लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी और सी के बीच में यदि हो तब कैसा इमेज बनेगा? देखिएगा ध्यान से, हम लोग ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट के लिए जो इंफिनिटी और सी के बीच में, उसके लिए इमेज बनाने जा रहा है कॉनकेव मिरर में। डायग्राम देखिएगा ध्यान से, हम लोग एक
कंकेव मिरर बनाने जा रहे हैं। अब ये कोई मिरर नहीं है, जब तक हम लोग सिल्वरिंग नहीं करते हैं तब तक कोई मिरर नहीं है। ये अब मिरर बना, कौन सा मिरर है ये? कंकेव, दिस इज योर कंकेव मिरर। अब आई हमें इमेज बनाना है कैसे ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है। लेकिन पहले प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग खींचते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पहले दिखाएंगे, उसके बाद ही विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग। इधर नहीं दिख रहा इस साइड में, अब दिख रहा है? बोलिए, दिख रहा है अब ना? नहीं दिख रहा है? और बड़ा क्लिक करिए अपने मोबाइल में, जूम जूम इन कीजिए। दिख रहा है अब? चलो हम लोग पोल लिए बाबू, यहाँ पोल लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। अब देखिए ऑब्जेक्ट को रखना है बाबू इन्फिनिटी और सी के बीच में। इधर इन्फिनिटी होगा काफी दूर, इधर इन्फिनिटी, हम डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं इन्फिनिटी है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। हम एक ऑब्जेक्ट लेने जा रहे हैं जो इन्फिनिटी और सी के बीच में, एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी और सी के बीच में उसको रखने जा रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं बाबू ए बी, इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम दिया ए बी। इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम दो रेज चाहिए, बिना दो रेज का आपको इमेज नहीं बनेगा। हम लोग पहला रे ले रहे हैं, याद कीजिए आप लोग पहला सीखते थे इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए हम लोग पैरेलल ले जा रहे हैं, एक लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है बाबू, आफ्टर रिफ्लेक्शन एटे पासेस थ्रू फोकस। याद कीजिए कंकेव मिरर में सीखा आपने, कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। लेकिन एक लाइट रे से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरा का रे को भी स्पॉन्सर करना होगा, तभी जाके दोनों जहां पे कट करेगा वहीं इमेज बनेगा। हम लोग दूसरा रे देखने जा रहे हैं, ये पहला रे मिल गया हमें। अब दूसरा रे आप सी से पास करना चाहते हैं, सी से पास करा दीजिए, एफ से मन करा एफ से पास करा दीजिए। हमने सी से पास कराया, लेकिन ध्यान रहे कि सी से पास करा रहे, यदि हम लोग सी से पास करा रहे हैं तो जाके मिरर से टकराना चाहिए, मिरर से बिना टकराए आपको इमेज नहीं बनता है। तो मिरर से कैसे टकराएगा? जब मिरर को ऐसे बढ़ाएंगे तब ना, तो बढ़ा दी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लगेगा, सी से यदि हम लोग पास करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू सेम पाथ, रिट्रेस बैक ऑन द सेम पाथ, इंसिडेंट रे और यहां से टकरा के फिर लौटेगा इसी पाथ पर। बोलो है ना, एक रे मिला हमको रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है बाबू। अब देखो ये दोनों कहां कट रहा है, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये पहला वाला है, ये पहला वाला दूसरा, जहां कट कर रहा है वहीं पर इमेज बनेगा। ये आपका इमेज बना, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए डैश, इसका नाम दे दीजिए बी डैश, ठीक है। इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बन रहा है आप ही बताइए इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पर इमेज कैसा बन रहा है बाबू, पहले बताइए कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, इन्वर्टेड जोड़ दीजिए साथ में एंड। अब खुद बताइए ऑब्जेक्ट बड़ा कि इमेज बड़ा? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा, इसका मतलब अ स्मॉल इन साइज एंड अ स्मॉल साइज, ठीक है, नोट कीजिए, सेकंड नोट कीजिए। हम लोग इधर मिटा रहे हैं, इधर तब तक इसको बना लिया आपने ना, इधर मिटा रहा हूं मैं। जिसके बाद जो पोजीशन होगा अगला पोजीशन, हम लोग इन्फिनिटी और सी के बीच में देख लिया, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे। तीसरा केस हमारा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर,
जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखें तब क्या होगा? ये एरो का साइन जरूर दिखाइएगा, जो एरो दिखाए हैं इसको जरूर दिखाइएगा आप लोग, एरो मत छोड़िएगा। बना लिए, हम लोग देख लिए इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखकर देख लिए कैसा इमेज बनता है, कहां बनता है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे सी पर। बन गया ये डायग्राम, डायग्राम बना। नहीं, ये लाइट रे आपको याद कीजिए, मैं सी, जब सी से पास करे जब भी तो नॉर्मल इसी पर नॉर्मल भी होता था। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इधर उधर से पास कराएगा इधर उधर से कहीं भी तो कभी भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाएगा हमारा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 मिलना चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, हम लोग सी पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर होता है उस समय इमेज हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिएगा डायग्राम, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर हो, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा उस समय देखिए कैसी इमेज बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। इसका पहले प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए, देखिए और प्रिंसिपल एक्सिस ये पी, इधर आपको सी, आप बीच में कहीं एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखना है बाबू सी पर, इधर कंकेव मिरर, दिस इन दिस केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे रहे हम लोग सी ए, ठीक है। सी हमने नाम दिया ऑब्जेक्ट का, सी पहले से था और ए हमने लगाया, सी हो गया ऑब्जेक्ट। इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए? कम से कम 2 रेज, कम से कम 2 रेज। पहला रे हम ले जा रहे हैं बाबू, फर्स्ट रे, चलिए हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाए हम लोग, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब चार सीखे हैं, पहला देखिए उसमें, पहला वाला सीखे थे हम लोग, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो आपका रिफ्लेक्शन कहां से पास करता है? ये फोकस से पास करता है, बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। लेकिन सिर्फ एक रे से काम नहीं चलेगा, हमें एक रे और चाहिए, दूसरा रे, हमें दूसरा रे बाबू हम लोग फोकस से पास करा दें या पी से पास करा दें, ठीक है। चलिए हम एफ से पास करा रहे हैं दूसरा रे, आप घर पे प्रयोग कर भी सकते हैं, अलग अलग पॉइंट से पास करा के देख सकते हैं आप, जहां कटना है वहीं पर कटेगा हमेशा। ये लाइट रे फोकस से पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द, बोलो, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, जहां पे बाबू कट करेगा वहीं इमेज बनेगा आपको। ये सी पर ही, ठीक सी पर कट करता है ये, इसलिए इमेज भी आपको सी पर ही बनता है। इसका नाम दे रहे हैं एडेस, एडेस ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बताइए कैसा इमेज है, ये रियल है कि वर्चुअल है? रियल ही है, रियली कट कर रहा है, लाइन से सब रियल इमेज बन रहा है आपको। इमेज कहां बना? एट सी, सी रियल बना, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है। और साथ में बताइए साइज क्या है दोनों का? इक्वल, दोनों इक्वल इन साइज बनता है। सी ही एक ऐसा पोजीशन है, मात्र यही एक ऐसा पोजीशन है जहां पर दोनों का साइज बराबर हो जाता है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों साइज आपस में बराबर होते हैं। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए फटाफट, इधर बिठा रहे हैं। ये पूछूंगा मैं आपसे, तब पूछूंगा कि इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, सब आपको बताने के लिए तैयार रहना हमेशा, क्योंकि इसका यूज होगा न्यूमेरिकल में। जो अभी क्लियर रखिएगा सब, एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको इमेज जब सीखिएगा बाबू इसका न्यूमेरिकल, इमेज सीखने के बाद जब न्यूमेरिकल सीखिएगा तो न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, एकदम साफ दिखाई देगा आपको। नहीं तो फिर ये दिक्कत हुआ, यदि यहां पे कमजोर रहेगा तो वहां पर उतना न्यूमेरिकल आपको एडजस्ट नहीं होगा, न्यूमेरिकल जो है थोड़ा समझने में परेशानी होगी। फोर्थ नंबर,
अब बताइए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखें, सी पर रख दिए ऑब्जेक्ट को, दिस ऑब्जेक्ट इज एट सी, लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन यदि हम पूछें तो सी के बाद दिख रहा है एफ, तो हम लोग सी से डायरेक्ट एफ पर नहीं जाएंगे, सी और एफ के बीच में पहले देखेंगे हम लोग, सी और एफ के बीच में। चौथा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, हम लोग सी एंड एफ के बीच में बात कर रहा है। अब इस केस के लिए हम लोग इमेज देखेंगे, सी एंड एफ के लिए इमेज देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बाबू सी और एफ के बीच में, इसके लिए इमेज देखिए जरा, दिस इज योर मिरर, कंकेव मिरर, और आप लोग पहले से ये काम जो करते आ रहे हो सब करते जाइए, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस दिखाना ही मजबूरी है, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में कहीं फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बाबू, जल्दी बोलो, सी और एफ के बीच में, मतलब इसके बीच में कहीं, ऑब्जेक्ट यहां इस इन दोनों के बीच में कहीं, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ध्यान से, इसका नाम देना लो ए बी, तो जरूरी नहीं है कि ए बी हम लोग पसंद खाएं कि ए बी देंगे, आपको जो मन करे पी क्यू मन करे क ख लिखने का मन करे लिख सकते हैं, वो तो नेमिंग है, नाम तो कुछ भी रखा सकता है। चलिए हमें इमेज बनाने के इस ऑब्जेक्ट का कितना रेंज चाहिए, कम से कम दो ए, तो आपको मन करे सर हम फोकस से पास कराएंगे या सी से पास कराएंगे, सी से ही पास करा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चारों में से जो मन करे सो लिख सकते हैं आप, पैरेलल मन करे, फोकस से मन करे, पोल से मन करे, सी से मन करे, जहां से पास कराना वहां से पास कराइए। चलिए पैरेलल ही ले, पैरेलल ही आप पहले पैरेलल ले, जैसे ले चुके हैं वैसे ले सकते हैं, या सी से मन करे सी से ले सकते हैं आप। एक लाइट रे हम ले गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, या फिर रिफ्लेक्शन आप जानते हैं पढ़ते आ रहे हैं, या फिर रिफ्लेक्शन कहां से पास करता है, ये फोकस, तो दिमाग में एकदम एडजस्ट हो चुका है, ये फोकस ही पास करता है। एक लाइट रे से काम नहीं चलेगा, हमें एक लाइट रे और चाहिए तब जाके कटने उठने के लिए, तो बताइए कहां से पास करा है, फोकस से, सी से, पी से, कहां से, फोकस से। चलिए फोकस से हम पास कराएंगे, तो जानते हैं आप आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने फोकस से पास कराया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग बाबू प्रिंसिपल एक्सिस इसको और आगे बढ़ाइए, जहां पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा आपको वहीं पर इमेज बनेगा, इसका दिखा दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें नहीं मिलाना है, इसका अपना जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे जाके मिलाइएगा इसको, जहां पे ये कट कर रहा है बाबू वहीं पर इमेज बनेगा, इसका नाम दिए थे ए डैश, ए बी नाम दिए थे यहाँ पर, ए डैश बी डैश हो जाएगा, बोलो ये इमेज बना हमारा, बताइए इमेज जो है ये रियली रूप से कट रहा है कि वर्चुअली कट रहा है, इमेज कहां कट रहा है पर ये बताइए, इधर इंफिनिटी है और इधर यहां पे सी है, इंफिनिटी और सी के बीच में, तो पूछेगा कहां बनेगा इमेज, तो बोलेगा बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी कैसा बनेगा, रियल बनेगा, एक रियली कट कर रहा है, और रियल हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड एंड, अब बताइए साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, ये है इमेज बड़ा कि ऑब्जेक्ट बड़ा, इसका मतलब लार्ज इमेज, इन्वर्टेड एंड लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा होता है, नोट की लार्ज इमेज, जहां भी दिक्कत होगा कुछ समझने में आप पूछ लीजिएगा हमसे, कोई डाउट मत रखिएगा। मिटा रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, अगला पोजीशन
नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए क्या होगा। हम लोग सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख चुके हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे, फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस क्लिक पोजिशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ मतलब फोकस पर हो। हम लोगों ने रखा है बाबू ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, अब अगला क्वेश्चन होगा मिरर की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा फोकस पर। देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। अमृता, खुशी, खुशी, खुशी ऑडियो ऑन कीजिए, खुशी ऑडियो ऑन करो। साक्षी, किसका आया था स्क्रीन पर, किसका आया था स्क्रीन पर, देखते रहिए हम बता रहे हैं। आज जितना भी बॉयज है सबको रिमूव कर देंगे, हम सबको रिमूव करेंगे आज, उसके बाद क्लास तुम लोग कनेक्ट हम नहीं होने देंगे तुम लोगों को। पढ़ना लिखना तेरा बड़ा स्किल, पढ़ने के टाइम जाकर खेलेगा। देखिए ये हमारा पोल है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पे फोकस, सिल्वरिंग, हाँ सिल्वरिंग कर देना इसको, बिना सिल्वरिंग का तो मिरर होगा नहीं, सिल्वरिंग किया हमने। अब ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखते हैं उसके लिए इमेज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखकर हम लोग इमेज देख रहे हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम लोग इमेज देखेंगे। देखिए ध्यान से, इमेज के लिए हमें कम से कम दो रेंज चाहिए, हम लोग पहला रेंज ले जा रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आप सीखते आ रहे हैं पहले से ड्रॉ करते आ रहे हैं। हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस। अब देखिए एक लाइट रे से तो काम चलेगा नहीं, हमें दूसरा रेंज पर काउंटर करना पड़ेगा, तो एक रे तो हम पास कराती है, और दूसरा रे देखिए या तो सी के अलोंग पास कर सकते हैं, सी से नहीं बल्कि सी से सी के अलोंग कर सकते हैं आप, या पोल से मन करे पोल से पास करा सकते हैं। ठीक है, तो पोल से यदि मान लीजिए हम पास करा रहे हैं, पोल से एक बार भी पास नहीं करा है, चलिए पोल से पास करा के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सिखाया गया था यदि लाइट रे पोल पर यदि इंसिडेंट हो तो फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने इसका आपको ट्रिक भी बताया था, जितना एंगल है ये उतना ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करा देना है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों क्या है हमारा यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, हाँ कट नहीं हुआ है, दोनों क्या दिख रहा है हमारा, ये लग रहा पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल लग रहा है, कटेगा नहीं, लेकिन कटता है, नहीं कटेगा तो इमेज बनेगा ही नहीं। कहाँ कटता है जाके, बहुत दूर जाके कटता है, और बहुत दूर का मतलब ही होता है इंफिनिटी, कहाँ कटेगा ये जाकर, बोलो ये पैरेलल है, कटेगा कहां पर जाके, इमेज बनेगा इंफिनिटी पर, क्योंकि इंफिनिटी पे ही जाके कटेगा, इमेज एट इंफिनिटी, रियली कट करेगा तो रियल इमेज, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है तो इन्वर्टेड इमेज, एंड बहुत लार्ज साइज में होगा ऑब्जेक्ट जो यहां पे रखे हैं, जबकि इमेज बनेगा इंफिनिटी पर, तो सन मून का जो साइज होता है उस साइज का बनेगा, मतलब एंड वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज इमेज। दिखाइए इसको, डायग्राम दिखाओ। अब लास्ट के समझो, देखेंगे इसके बाद फोकस पर तो हो गया, अब लास्ट के समझो देखने जा रहे हैं।
रिकॉर्डिंग हुआ है, रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा हमको, जो बदमाशी कर रहे थे ना सब पता चलेगा हमको, कब कनेक्ट हो रहा है, कौन कनेक्ट हो रहा है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, क्या जवाब दे रहा है, सब हमको पता चल जाता है। When object in between F and T मतलब F और T के बीच में जो ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम लोग इमेज देखने जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा F और T के बीच में होगा तब कैसा इमेज बनेगा, इस इमेज को देखिए ध्यान से। इसको आप लोगों ने बना लिया है और हम लोग लास्ट केस देखने जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट हो हमारा F और P के बीच में, ऑब्जेक्ट को हम लोग F और P के बीच में रख रहे हैं, PFC हमने दिखाया है। इमेज बनाने के लिए देखिए हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाना है पहले F और P के बीच में, ऑब्जेक्ट को रखना है F और P के बीच में, इसके लिए इमेज दिखाना है, पहले हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं F और P के बीच में, इसका नाम AB हम लोग देते आ रहे, दे दीजिए AB, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इमेज बनाने के लिए कितना रेज चाहिए, कम से कम दो रेज चाहिए, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से ये इंसिडेंट हो रहा है, After reflection, it passes through what? Focus. It passes through focus. लेकिन एक light ray से काम नहीं चलेगा हमें, हमें दूसरे light ray को counter करना पड़ेगा। दूसरा light ray pole पे आपने pass कराया था पिछला diagram में, देखिए। तो ये following the laws of reflection, angle I, angle R equal करके ये क्या हुआ था? Reflect हुआ था। देखो यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। अब आइए ये दोनों लाइट रे को ध्यान से देखो आप, एक लाइट रे इधर जा रहा है, एक का जाने का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का इधर है। दो लाइट रे देखिए तो आगे बढ़ाइए, ये लोग तड़प तड़प के मर जाए, कहीं भेंट होगा नहीं भेंट होगा, तो चलो भाई डॉटेड लाइन। हम लोग पीछे की दुनिया में जा रहे हैं वर्चुअल इमेज के लिए, पीछे की दुनिया में जाइए, जहां पे appear to meet होगा वहीं पर इमेज बनेगा। जब हाँ appear की हम लोग बात किए इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल क्लियर, वर्चुअल इमेज बनेगा बिल्कुल। यहां पर appear होगा कि कटफट रहा है, appear होगा यहां पे कि कट रहा है, appear होगा कि कट रहा है, ठीक है। एडस बीडस नाम रखे थे, एडस बीडस का नाम रख दीजिए। ये इमेज तो है लेकिन कैसा इमेज है, बोलो जल्दी बोलो, वर्चुअल इमेज ना, ये वर्चुअल इमेज है, बाकी सब यहां तक रियल इमेज था लेकिन ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल। किधर, बिहाइंड द, कहां बन रहा है इमेज, वर्चुअल जब भी बनेगा तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसा इमेज है ये, वर्चुअल है, वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर, ये ऑब्जेक्ट इमेज दोनों ऊपर है और बाकी सब में जो है इधर देखिए रियल में ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, ठीक है, उल्टा बना था। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है एंड लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट से क्या है ये, लार्ज, लार्ज इन साइज, नोट कीजिए। यही तक था ये लास्ट केस, फटाफट नोट करो इतना। मिटा रहा हूं मैं, अब इसके बाद आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक की मदद से आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा,
इस इमेज को हमेशा दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल में आपको आपको बनाने में मजा आए, नहीं जो एडजस्ट रखेंगे उनको बनाने में मजा नहीं आएगा। जल्दी से इसको दिखाइए। एकदम लाइन से जहां से मैंने बोला है इनपीटी से स्टार्ट किया था वहां से लेकर लास्ट तक आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हुए इमेज आपको बताना है, जुबान पर होना चाहिए सबका। मैं इसको रटने की जरूरत नहीं है, एकदम जुबान पर आना चाहिए, दिमाग में एकदम पिक्चर बना होना चाहिए। पिक्चर बना रहेगा तो फटाफट बनाइए बता पाइएगा। चलिए हम पिक्चर बनाने के लिए ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए ट्रिक सुनिए अब ध्यान से, जुबान पर हमेशा रहेगा आपको, कभी नहीं भूलिएगा, बस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। एक मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूं, कॉनकेव मिरर, इसी में हम लोगों ने अभी तक अभी इमेज देखा है, अभी कॉनकेव में देखा है, इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स में देखेंगे। लेकिन पहले इसको याद करवा देते हैं आपको, जो कुछ भी अभी सीखे हैं ये फटाफट जुबान पर आपका होना चाहिए। हम लोग बाबू एक प्रिंसिपल एक्सिस दिखाते थे, हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए दिखा दे रहे हैं। दिस इज योर पोल, उसी तरह से ठीक है डॉटेड लाइन दिखाया मतलब इधर इन्फिनिटी के लिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाए, उसी तरह से फोकस पड़े थे ठीक बीचों बीच, फोकस दिखा दीजिए। तो हमने दिखाया सीएफपी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे थे बाबू, इधर इंफिनिटी है, इधर आपको इंफिनिटी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहां से शुरू किए हैं, जल्दी बोलिए, इंफिनिटी से शुरू किए हैं। तो ऑब्जेक्ट जब शुरू में इंफिनिटी पर हो, इमेज कहां बना था, फोकस पर, कहां बना था, इमेज बना था आपको फोकस पर बना था, दिस इज योर फोकस। अब सुनिए कैसे याद रखना है इसको, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो इमेज आप बना रहे हैं एक कहानी पर ये आधारित है, एक दोस्ती की कहानी, एक बहुत अच्छी दोस्ती की कहानी, जो आजकल इस कलयुग में वो दोस्ती की कहानी नहीं मिलेगी। बताइए किसी दूसरे युग का है, द्वापर युग की कहानी है, उसका नाम है कृष्ण और सुदामा की कहानी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। बोलिए वो आजकल के दोस्त की तरह नहीं, कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती पूरे वर्ल्ड में जो है सबको जानता है किस तरह से उनका दोस्ती था। अच्छा ये बताइए, इतने अच्छे दोस्त थे दोनों, कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे, लेकिन आपको पता होगा कि सुदामा बहुत गरीब थे और कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा थे, द्वारिकाधीश कहलाते थे, है ना, तो राजा थे भाई तो अमीर थे, और सुदामा फिर इतना क्यों गरीब थे भाई, सवाल ये उठता है, क्योंकि इतने अच्छे मित्र होने के बावजूद भी सुदामा गरीब क्यों थे, जबकि ये राजा थे वो भी भगवान थे द्वारिकाधीश थे, फिर भी उनके मित्र इतने अच्छे मित्र गरीब क्यों, क्या कारण इसका, कारण ये था कि सुदामा अनंत पर थे, इन्फिनिटी पर थे। सुदामा जो थे स्टार्टिंग में, सुदामा को गुजरे के लिए मानिएगा मैं हिंदी में लिख रहा हूं सुदामा, सुदामा को हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट वस्तु, एकांत स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पर थे, कहां पर थे, और श्री कृष्ण भगवान कहां थे, ये थे इधर दर्पण के क्रूज, यहां इनका राजगद्दी लगा हुआ है, ये राजगद्दी है और यहां से द्वारिका नगरी शुरू होती है, यहां से द्वारिका नगरी स्टार्ट यहां पर, ठीक है द्वारिका नगरी, बीच में यहां राजगद्दी, इधर हो इधर जाइएगा तो राज खजाना, राज खजाना, राजगद्दी के पीछे राज खजाना ही होता है, सबसे अंदर में रखा जाता है सेठ मेहता की रहे। अब भाई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर थे तो श्री कृष्ण भगवान थे फोकस पर, उनको इमेज मानिएगा, इमेज रखते हैं ना सब लोग अपने अपने घरों में, कृष्ण भगवान का इमेज रखते हैं, फोटो रखते हैं कि कृष्ण भगवान जो थे फोकस पे थे भगवान भाई, नो डाउट। अब इनकी पत्नी रोज रोज कहती थी कि वाइफ सुदामा की, कि हम लोग का इतना बुरा हाल है, फटे चीटे हम लोग पहनते हैं, गरीब हैं, कुछ खाने के लिए दाना नहीं है घर में,
तो आप क्यों नहीं जाती अपने अच्छे मित्र के पास, कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हैं? सुना है मैंने कि कृष्ण बहुत बहुत अमीर है, राजा है, द्वारिका का राजा है, द्वारिकाधीश है, आप क्यों नहीं जाते हैं? तो सुदामा हमेशा संकोच करते थे जाने में कि मेरे पास है क्या, उसको हम भेंट में कुछ देंगे, न्योता में कुछ देंगे, क्या है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उनकी वाइफ ही जीत करके भेजी कि जो बचपन में आप लोग खाते थे वही जाके भेंट चढ़ाई, चावल को भूंज कर, है ना, उसको भूंज कर, चमेनी जिसको बोलते हैं, कांख में पोटली के रूप में दबा कर उनको विदा की उनकी वाइफ। जब वाइफ ये चल दिए तो सुदामा यहाँ से मोटरसाइकिल थोड़े पकड़े होंगे और पहुंच गए एकदम राजगद्दी के पास डायरेक्ट, नहीं चले होंगे तो पहले रास्ता में होंगे, पहले शुरू में इंफिनिटी पर थे। तो ऑब्जेक्ट पूछता है इंफिनिटी पर इसे इमेज से, ऑब्जेक्ट और इमेज में काफी मित्रता है, काफी फ्रेंडशिप है। ऑब्जेक्ट पूछता है इमेज से कि भैया जब हम इंफिनिटी पर रहते हैं तो तुम कहाँ रहना चाहता है? तो इमेज कहता है कि पता है तुम इंफिनिटी पर रहता है ना तो हमको फोकस पे बड़ा मजा आता है। इमेज कहता है इसको ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्टवा कहता है इमेजवा को, अच्छा तुमको मजा आता है, देखिए तुम मजा लो, और जब हम जाएंगे फोकस पर तो तुम आ जाना इन्फिनिटी पर। देखिए याद कीजिए हमने इमेज बनाया है, आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले गए थे तो इमेज चला गया था इन्फिनिटी पर, जब इसी यही ऑब्जेक्ट जाएगा फोकस पर तो इमेज चला जाएगा इन्फिनिटी पर, अदला बदली हो रहा है। देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो स्टार्ट होती है कहानी कृष्ण भगवान की राजगद्दी से, क्योंकि राजा थे यहाँ यही पर राजगद्दी लगा हुआ है, फोकस पर थी। फिर पूछेगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज कहाँ? फोकस पर। अरे कैसा दोस्ती है भाई, सब रियल दोस्ती है, ये रियल दोस्ती था, कोई वर्चुअल दोस्ती नहीं था, बहुत जबरदस्त दोस्ती थी दोनों के बीच में, इसलिए रियल दोस्ती का इसका नाम दे रहे हैं। और ये हमेशा इन्वर्टेड बनता है, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे। अब आइए, अब सुदामा जी जो है चल दिया रास्ता में, अपना गरीबी दूर करने के लिए जो है पहुंच रहे हैं कृष्ण भगवान के पास, उनकी वाइफ भेज रही है। तो सबसे पहले जो है ये बीच में आएंगे, सुदामा जी आए बीच में, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ये तो भगवान के भाई, इनका भी दिल खसक रहा है, खसक के आए बीच में, भी बीच में आए सी और एफ के बीच में। देखिए आप इमेज हमने बताया है, कृष्ण भगवान यहाँ पर आ गए, इनको क्या नहीं पता था। हाँ एक और ध्यान दीजिए, इन जनरल कहा जाता है ये द्वारिका नगरी है बाबू, तो इधर सब गरीब, इधर अमीर लोग होंगे, नगर नगर है भाई, द्वारिका नगरी है, राजपाट सब यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर है, तो अमीर लोग और इधर लोग, इससे बाहर की बात यदि किया जाए तो गरीब लोग, ठीक है, इन पीढ़ी तक सब गरीब, जिसमें सुदामा भी है। कहा जाता है कि इन जनरल कहा जाता है कि अमीरों का दिल बड़ा छोटा, दिल बड़ा छोटा होता है, जितना ही अमीर होगा दिल उतना ही छोटा है, और गरीबों का दिल बहुत बड़ा, दिल बड़ा। इससे क्या याद रहेगा आपको, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, बड़ा मतलब इधर जो भी रहेगा, सी से बाहर जो भी रहेगा वो बड़ा रहेगा, और इधर अंदर जो रहेगा सब छोटा रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, और सी पर जो है बराबर हुआ, कैसे बराबर देखिएगा। अब भाई अब श्री कृष्ण भगवान यहाँ फसत यहाँ पर आए, फिर यहाँ पूछा ऑब्जेक्ट इस पोजिशन में सी और इन्फिनिटी के बीच में, ये भाई जब हम इन्फिनिटी और सी के बीच में आते हैं तब तुम कहाँ रहना चाहता है? सुदामा जी यहाँ पर है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये इमेज यहाँ पर, इमेज बोलता है ये भाई जब इन्फिनिटी और सी के बीच में रहता है ना तो हमको सबसे ज्यादा मजा आता है सी और एफ के बीच में, ठीक है तुम मजा लो, जब हम इस पर आएंगे इस पोजीशन पर सी और एफ के बीच में तो तुम आ जाना मेरे पोजीशन पर। याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले जाते हैं तो इमेज बनता है सी और इन्फिनिटी के बीच में, देख लीजिए आप डायग्राम में, आपके पास होगा डायग्राम देख सकते हैं। अगला केस, अब सुदामा जी पहुंचते हैं सीधे गेट पर, द्वारिका नगरी का यही से स्टार्ट होता है, यहाँ गेट है, यहाँ द्वारपाल बैठा हुआ है, ठीक है द्वारपाल बैठा हुआ है बाबू, उनका रूप देखा पहले ऊपर से नीचे तक फटा हुआ कपड़ा, गंदा संदा सा कपड़ा देखा उनको, गरीबी हाल देखकर वो सुदामा जी बोले कि हमको कृष्ण जी से बात करना है, कृष्ण भेंट करना है, ठीक है प्रधानमंत्री से मिलना है। तो ऊपर से नीचे तक देखता है, यहाँ पर जो भी है सब गार्ड गार्ड जो पड़ा है देखता है, बोले कि अपना रूप देखा है तुम, अपना शकल देखे हो, अपना कपड़ा लता देखे हो, कितना कितना फटा हाल है तुम्हारा, और तुम कृष्ण का दोस्त हो जाओगे, तू थोड़े जान रहा है भाई। तो बोले उन्होंने कहा ठीक है आप हमको अंदर नहीं जाने दीजिएगा तो कम से कम खबर दे दीजिए कि आपका मित्र सुदामा आया हुआ है, ठीक है। खबर गया अंदर में, उनको तो पता ही था भाई, बस लीला रचनी थी। तो भाई ये जब सुदामा पहुंचे सी पर, यहां पर जब ऑब्जेक्ट आया,
सुदामा जी पहुंच गए यहां पर बाबू, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट सी पर आया। जब सी, अब सी पर पढ़ाए थे आपको कि जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो यहां से श्री कृष्ण भगवान जो है चप्पल एकदम नंगे पांव, कोई चप्पल उपल कुछ नहीं, एकदम नंगे पांव दौड़ के जो है ये सी पर गेट पर पहुंचे और जाके सुदामा को चपाक से पकड़ लिए, दोनों जो है पकड़ लिए दोनों। अब दोनों मिल गए बाबू, गला मिलन करने लगे, रोने लगे, तो क्या छोटा क्या बड़ा, देखने वाला सब आंख फार फार कर देखते रहेगा, क्या अमीर क्या गरीब, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, दोनों बराबर, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई छोटा नहीं समझेगा, कोई बड़ा नहीं समझेगा, कोई अमीर नहीं समझेगा, कोई गरीब नहीं समझेगा, दोनों बराबर। याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखे थे हम लोग, इमेज भी सी पर ही बना था, मतलब कृष्ण भगवान भी सी पर आ गए, दोनों गला मिलन किए हैं सी पर, दोनों बराबर, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना छोटा ना बड़ा, क्लियर है। अब आइए, अब कृष्ण भगवान जो है बाबू, अब ये जो है अब इनका दिल बड़ा होते जा रहा है, सुदामा जी का दिल छोटा होते जाएगा, क्यों भाई। अब कृष्ण भगवान कहते जाइए भैया अंदर जाइए, भाभी भी से भेंट कीजिए, राजमहल घूमिए। अभी अंदर घुसते हैं सुदामा जी, राजमहल भीतर घुस रहे हैं। अब कृष्ण भगवान चल दिए हैं जहां पर इनका झोपड़ी था, इन्फिटी पर यहाँ पर झोपड़ी, झोपड़िया को राजमहल में कन्वर्ट करने के लिए, झोपड़ी को राजमहल में बदलने के लिए कृष्ण भगवान चल दिए इन्फिटी की ओर। अभी बाहर निकल गया थे, बड़ा हो गया इनका साइज, याद कीजिए जो अंदर घुसा छोटा, अभी घुस रहे इनके मन में धीरे धीरे पाप घुस रहा सुदामा जी का, अरे बाप रे इतना बड़ा बढ़िया महल बनाया है ये, इतना दिन से ही भोग रहा है मजा मार रहा है कृष्ण भगवान, हमको बताया भी नहीं, वो फोन तक भी नहीं किया, कॉल भी नहीं किया, और हम जो इतना कष्ट झेल रहे इतना दिन से, क्लियर है। तो अब जो है कृष्ण भगवान आए यहाँ पर, देखिए सुदामा जी आए सी और एफ के बीच में, अब आगे इस पोजिशन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गए इस पोजिशन में, मतलब सुदामा जी आ गए सी और एफ के बीच में, कृष्ण भगवान कहां चले जाएंगे, याद कीजिए प्रॉमिस याद है कि जब तुम जाना सी और एफ के बीच में तो हम जाएंगे इन्फिनिटी और सी के बीच में, इमेज आ जाएगा यहाँ पर, कृष्ण भगवान यहाँ पर आ जाएंगे, यही इमेज है आपका, कृष्ण भगवान हम बोले इमेज मानते जाइएगा। अब जो है रुक्मिणी जो हमको ले गई राजगद्दी पर बैठाई सुदामा जी को, और मन में पाप घुस गया, अरे बाप रे राजगद्दी है बैठने में मजा आ गया इस पर, है ना, कितना ही मजा मार रहा है कृष्ण भगवान, इतना दिन से हमको कुछ भी नहीं रहा है, सुदामा जी आ गए राजगद्दी पर, है ना, जैसी बैठे तो इनको इतना मजा आया, और कृष्ण भगवान पहुंच गए इन्फिनिटी पर। याद कीजिए जब ये इन्फिनिटी पर था तो इमेज था फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट गया फोकस पर तो इमेज कहां जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा, क्लियर है। तो बताइए जब सुदामा जी जब यहां पहुंचे राजगद्दी पर तो कृष्ण भगवान पहुंच गए इन्फिनिटी पर, यहीं पर राजमहल तैयार कर दिए, छोपड़ा छोटी हटाकर उनका बनवा दिया राजमहल यहाँ पर, ठीक है। ये बड़ा हुए ना, ये बड़े दिल के ये ना हुए, और इनके मन में तो पाप घुस गया, छोटा हो गए, इसके रिस्पेक्ट में इमेज ही बहुत बड़ा बनता है, सुदामा के रिस्पेक्ट में कृष्ण भगवान बहुत बड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब आइए, आप अपने घर में किसी मित्र को बुलाए हैं, ठीक है, आप बहुत धनी आदमी है, रात में क्या करता हुआ, आप खजाना भी रखे हुए हैं इसी राजगद्दी के पीछे, रात में प्लान करता है कि सब सो जाएगा, लेकर घर में से सब खजाना जो है ना लेकर निकल जाए, पतली गली से निकल जाएंगे, चुपके से निकल जाएंगे रात में। तो ये बताइए बाबू कि जब ये पाप मन में घुसा तो राजगद्दी के पीछे घुस गया रात में, ऑब्जेक्ट आ गया, अब राज खजाना के फेरा में इसमें घुस गया, ठीक है, किसके किसके बीच, एफ और पी के बीच, तब दोस्ती जो है पकड़ा जाएगा, ये चोरवा पकड़ा जाएगा, ये दोस्ती अब रियल रहेगा, यहां तक सब रियल दोस्ती था कृष्ण और सुदामा का, ऐसा दोस्त जो घुस गया पाप घुस गया मन में, खजाना चला लूटने, इसके लिए कैसा इमेज बनाया था, याद कीजिए, अभी दोस्तवा रास्ता में भी कभी मिलेगा तो कभी दिल लगाइएगा इसके साथ, ठीक है ना, सब बस है ना, पूछताछ भी उतना नहीं होगा, बातचीत भी नहीं होगा, क्योंकि जान जाए कि जो है हम पीठ में छुरा घोंपने वाला ही, ये इमेज देखिए बस एक ही केस था कनके मिरर में, इसके लिए वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल, ठीक है, बस यही लास्ट वाला केस एफ और पी के बीच में, यहाँ तक एफ तक जो भी बात हुई है सब रियल बात हुई, क्लियर है सबको। अब जरा भूल के दिखाइए तो हमको, इस कहानी के आधार पर जरा भूल के दिखाइए तो आप लोग, सबके जुबान पर ही हो जाना चाहिए, खाली बस एक बार दिमाग में रिकॉल कीजिएगा और घर पे एक बार रिवीजन कीजिएगा और अगले क्लास में सब लोग सुनाइएगा, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।